नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ में हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। खबर आने वाले वक्त में होने वाले एक उपचुनाव से जुड़ी है। जगह का नाम दमोह और बीजेपी दमोह की दंगल में लगा रही है पूरी ताकत। या यूं कहें कि ये चुनाव है शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा का प्रश्न और बीजेपी इसलिए झोंक रही है पूरी ताकत। क्यों दमोह का चुनाव रोचक है मैं आपको जल्दी से बता दूं। दमोह वो सीट है जहां पर उपचुनाव होने हैं। वो किस वजह से होने हैं आपको याद होगा, 2018 में राहुल लोधी कांग्रेस के चेहरे थे, यहां से चुनाव जीते थे। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, विधानसभा से इस्तीफा दिया सदस्यता से और बने वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया बीजेपी की तरफ से, शिवराज सरकार की तरफ से मिल गया इनको दर्जा। अब भविष्य में उपचुनाव है, तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। क्यों? एक तो पहली बात मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात साफ हो गई, पार्टी की तरफ से साफ हो गई कि राहुल लोधी जो है वही बीजेपी का चेहरा होंगे, वही उम्मीदवार होंगे जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है। राहुल लोधी उम्मीदवार होंगे तो इससे क्या रोचक है? रोचक यह है कि बीजेपी के पुराने चेहरे, वो पुराने दिग्गज जयंत मलैया जो कि वित्त मंत्री तक रहे और 6 बार यहां से चुनाव जीते हैं, यानी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जो कि प्रमुख दावेदार थे। अब आप कहेंगे कि जयंत मलैया चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे बीजेपी के सामने चुनौती क्या है? कह सकते हैं आप कि जयंत मलैया जो है पुराने चेहरे हैं तो उनके टिकट ना मिलने का नुकसान जो है पार्टी को उठाना पड़ सकता है। चलिए मान लिया कि जयंत मलैया पुराने चेहरे हैं और उनकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन दरअसल पार्टी के अंदर वो युवा वर्ग के भी कई चेहरे हैं जिसे हम सेकंड लाइन कहते हैं दमोह में, जो ये सोचते रह गए कि कब जयंत मलैया राजनीति से रिटायर होंगे और उनका नंबर आएगा। उनका नंबर तो नहीं आया। बीजेपी में शामिल होने वाले राहुल लोधी जो है वही उम्मीदवार होंगे। तो एक समीकरण जो बन रहा है दमोह का चुनाव, मैं आपको कह रहा हूं बड़ा रोचक होगा, दिलचस्प होगा। और ये चुनाव इसलिए रोचक होगा, कांग्रेस अपनी इस चेहरे के बीजेपी में जाने का बदला लेना चाहती है। कांग्रेस बताना चाहती है कैसे पार्टी के साथ अलग होकर राहुल ने बीजेपी का दामन थामा। तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा यहां पर। दूसरा, जयंत मलैया जो है, हो सकता है संभावित तौर पर, यह अभी पक्का नहीं है, हो सकता है कि जयंत मलैया अगर निर्दलीय चुनाव लड़े तो इस बात का खामियाजा भी पार्टी को उठाना पड़े, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को अपनी ऊपर भरोसा है। यही वजह दमोह पहुंचे, बीडी शर्मा भी पहुंचे, दोनों ने ताकत लगाई अपनी पूरी कार्यकर्ताओं के बीच में, 500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, खुद कलम लेकर लिखते रहे, दमोह के लोगों की बात सुनते रहे, मेडिकल कॉलेज को पहली मंजूरी मिल चुकी, यानी विकास का खाका, यानी शिवराज मॉडल जो है, ये संदेश देने की कोशिश है कि अगर पार्टी के पुराने नेता जयंत मलैया अगर उनका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है तो उनके सामने शिवराज का ये मॉडल चुनाव जिता सकता है राहुल लोधी को। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कांग्रेस ताकत झोंकेगी अपनी, जयंत मलैया से हटके भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से यदि कोई दमदार कैंडिडेट आता है तो दमोह का चुनाव वास्तव में काफी रोचक हो जाएगा और ये चुनाव देखने लायक होगा दमोह का दंगल। बीजेपी अपनी ताकत झोंक रही है कुल मिलाकर। लेकिन जल्दी से आपको इतिहास भी बता दूं, बड़ा यहां का इतिहास ऐसा रहा है, 15 बार चुनाव हुए हैं जिनमें से 6 बार जयंत मलैया जीते हैं, 7 बार कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं, 2 बार निर्दलीय जीते, लेकिन इस बार दमोह की जनता किसे चुनेगी ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें एमपी तक।